गाइज आपको डीबीएस मर्चेंट के रूप में, बट दूसरा वो हाइड्रा ऑफिशियल की जो हम बात कर रहे थे, जी हाँ, ब्लाइंड के अगेंस्ट पे ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है। आरू को तुरंत ही यहाँ पर लॉबी का रास्ता दिखाया गया है, कप्तान को डाउन कर दिया गया, तो काफी मुश्किलें बढ़ती नजर आई। दूसरी तरफ से रेवेनेंट की हम बात करते हो, चलिए पिछला गेम उतना अच्छा नहीं जा पाया था, लेकिन इस गेम में वो कह रहा है कि भाई बैठा तो दो मुझे, कहाँ भाग रहे हो आप। लेकिन शुरुआत तो अभी के लिए काफी बेहतर, लेकिन सामने क्या फिर से हाइड्रा के ऊपर स्लैमिन दिए जाने वाला है, क्योंकि देखिए उतनी बेसिक लूट ही है यहाँ पर, और इस कंपाउंड में स्लैमिन बट चलती गाड़ी से क्या निकाला जाएगा लग तो रहा है यहाँ पर, बट मल्टीपल नॉकआउट होते नजर आएंगे। और देख, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए गामछा क्या हुआ। देखते ही देखते ये क्या, हमें एक शॉकिंग सरप्राइज एग्जिट देखने को मिलता नजर आएगा। रेवेनेंट क्या था ये, मिला यहां से स्टार बॉय को मिला कनेक्शन, दूसरी तरफ से ऋषभ ने किया टेक डाउन, स्टार बॉय करेंगे राइट अवे कंफर्म। टीम हाइड्रा अग्रेशन की मिसाल देती हुई उतरते साथ ही टीम्स को एलिमिनेट करना शुरू कर पेस कर दिया परफॉर्मेंस शुरुआती मिनट के अंदर, शुरुआती 10 मिनट के अंदर, लेकिन स्टार बॉय को तो कोई बचाइए जी नहीं, क्योंकि देखिए जब आप अंतिम कड़ी बन जाते हैं यहाँ पर अपने टीम की तरफ से, एक दो खिलाड़ी बच जाते हैं तो उनकी तरफ से पूरा यही एम रहता है कि हम नॉकआउट करेंगे तो कन्फर्मेशन भी निकालते रह जाएंगे। लेकिन आतंकी थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर ऋषभ भी आग बबूला होकर आपके ऊपर बढ़ते नजर आने वाले हैं, प्री फायर करने की बहुत जरूरत है। ओके, गलती से यहाँ पर जो स्मोक आगे फेंकने की कोशिश की जा रही थी वो ओके चली गई है लगातार शायद यहाँ पर, लेकिन जी नहीं, आतंकी ने यहाँ पर अपनी गन को शिफ्ट करा जरूर था, बट